टाइम है, यानी कि रोज के करीब टाइम है। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। आज जो मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वो नीचे के लेवल तक भी बात करी है और करीब 14 जगह तो सरपंचों से बात करी है अलग अलग डिवीजन में। हमारे यहाँ भी नागौर डिवीजन जो जिला है उसमें भी सरपंचों से बात हुई और सब कई जगह हुई है और कई प्रेजेंटेशन दिए हैं। तो जो मुख्य बात है, ACS मेडिकल हेल्थ ने जो बताया है कि भाई हमें पुरानी जो कोरोना में सावधानी बरतनी है वो तो है ही, लेकिन अब जितनी छूट ज़्यादा हो रही है तो उसमें एक ही सरकार का मुख्य ध्येय है कि आप सतर्क रहें और इससे घबराएं नहीं बस, और सावधान रहें। और जो चीज़ें बता रखी है पहले, उनमें मुख्य रूप से एक नई चीज़ आई है, हालांकि चीज़ वही है, उसको शॉर्ट में किया SMS नाम दिया है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन तीन चीज़ों को मतलब शॉर्ट में जैसे आदमी को याद भी रह जाए। मतलब ये ऐसी मोटी चीज़ है जिसको 2 महीने से हम कह रहे हैं, लेकिन उसी बात को वापस कह रहे हैं कि उसको आप लगातार, मतलब ये नहीं कि भाई ओपन हो गया सब खुल गया तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, वो तो ज़रूरत आपको अगले महीनों तक रहेगी। और अभी राज्य में काफ़ी सारे टेस्ट भी हो रहे हैं, 16-17 हज़ार पर डे चालू हो गए हैं और ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए आ रहे हैं कि टेस्ट बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव भी वो पकड़ में आ रहे हैं। इसके अलावा होम क्वारंटाइन पे जो पहले सावधानियां बरतनी थी वो वैसे की वैसे बरतनी है होम क्वारंटाइन की, उसमें भी जिनको जितने दिन होम क्वारंटाइन करना है उतने दिन रहना है जिससे कि वो दूसरी जगह उसको नहीं फैलाएं। और एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई कि टिड्डियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ था, तो करीब 20 जिलों में प्रकोप हुआ है, तो 96,000 हेक्टेयर जमीन पे, तो उसमें से करीब करीब कंट्रोल हो गया है और अब पहले वाली बात नहीं है। महानरेगा की बात है, उसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि जो श्रमिकों का नियोजन है वो 43 लाख के करीब हो गया, जो कि पिछले साल 33 लाख का, तो सर्वाधिक है, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा पेयजल भी खास बात हुई है, जिसमें अभी अपने अखबार में भी आज आया था कि माननीय विधायक गण हैं उनको 25 लाख रुपए पेयजल के लिए दिया, क्योंकि जो पहले का जो फंड था वो तो मेडिकल हेल्थ की सुविधाओं के लिए उनका पहले फिक्स कर दिया था, तो सभी ने पेयजल की मांग की होगी तो उसमें पेयजल के लिए किया। तो पहले के जो काम चल रहे हैं, पुरानी बंद पड़ी योजनाएँ पेयजल की, उनको भी चालू करना है। जिलों से कहा गया है कि वो हैंडपम्प का रिपेयर अभियान चल रहा है और कई चीज़ें दूसरी भी हैं पेय से संबंधित, पानी के टैंकर्स की सप्लाई चल रही है, ट्यूबवेल खुदवाए जा रहे हैं, तो पेयजल की कोई समस्या नहीं आएगी। ये कुल मिला के बेसिक में बात हुई है। खत्म होने वाला है लॉकडाउन 5 के लिए कोई नहीं, लॉकडाउन 5 के बारे में अभी नहीं, अभी एक दिन बाकी है, अभी तो 31 तक तो है, तो आज ऐसी लॉकडाउन 5 जैसी या कोई ऐसा मुद्दा कोई चर्चा नहीं हुई, जो बात होगी कल तक आपके सामने और आ जाएगी।